पहले जिनका नाम का खौफ चंबल में गूंजता था, आज वह क्षेत्र की राजनीति की दशा दिशा तय कर रहे हैं। सुनिए राजनीतिक चर्चा में फास्ट समाचार संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव से क्या बोले चंबल के पूर्व दस्यु रमेश सिंह सिकरवार। मेरे साथ मौजूद हैं रमेश सिकरवार जी, जो कि अभी कराल में ही निवास कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। सिकरवार साहब, चुनावी चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े हैं, लोकसभा चुनावों को लेकर क्या कहना है आपका? अपने मुरैना सोपुर तो मेरा RDI अनुमान भी है, पहले ही मैंने बोला था कि हमारे यहाँ सीट कांग्रेस ही निकलेगी, वो अभी मेरा 100% अनुमान है। 100% कि भाजपा के कार्यकर्ता कोई काम नहीं कर रहे, यहाँ किसान किसी का भी वो आश्वासन झूठे दे चले जाते हैं। इसलिए जनता अब त्रस्त हो रही है भाजपा, इसलिए कांग्रेस में ही अपनी आगे जनता कांग्रेस को वोट देगी, कांग्रेस सीट निकलेगी ज़्यादातर मेरा अनुमान। में जाता हूँ गांव में, चर्चा करता हूँ, आदिवासी बेल्ट में बोई में सब घूम के आ जाऊँ, सब लोग इस समय कांग्रेस में चले जा रहे हैं, हम सब कांग्रेस को वोट देने जाते हैं। सिकरवार जी, कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं कि वो जीतने की तरफ बढ़ रही है लोकसभा, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी क्षेत्र में आ ही चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष के भी 2-3 दौरे यहाँ हो चुके हैं, और तमाम CM पूर्व CM भी आ रहे हैं। इतना प्रचार प्रसार और लॉबी इतना जोरदार प्रचार कर रही है BJP का, तो कैसे मतलब मानते हो कि आप जीत रही है कांग्रेस? तो पहले भी जो है यहाँ मुख्यमंत्री भाजपा के ना प्रदेश अध्यक्ष सब लोगों ने दौड़ा किया विधानसभा के टाइम पर, वो फिर भी हमने बोला था पहले भी सीट कांग्रेस की निकलेगी, तो सब लोग यहाँ सब परेशान हो गए यार कौन की सीट निकली। जनता किसी की नहीं मानती है, जनता जनता सबसे बड़ा होता है, नेता चाहे कुछ भी करते हैं जनता के मन में अभी भाजपा के प्रति अंदर, यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में सुनता हूँ, अंदर किसी के प्रति भावना नहीं है कि हम उनको भाजपा को जिताएं। पता नहीं क्यों भाजपा से सब लोग त्रस्त हो चुके हैं, अंदर ये कहते हम साहब कांग्रेस को देंगे, जो कहता कांग्रेस को देंगे, अंदरूनी उनकी भावना नेता को नहीं कहते हैं, वो उनके दिल की भावना जब दूसरा जाके लेता है उनको पता लगता है। तो रमेश जी, एक दूसरी तरफ एक और एजेंडा यहाँ चल रहा है कि भाजपा कहते हैं कि राम मंदिर को लेके और मोदी के नाम को लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या राम मंदिर यहाँ पे इफेक्ट नहीं डालेगा इस विधानसभा में? राम मंदिर असमझदार आदमी सभी जानते हैं, राम मंदिर तो कब के अयोध्या में पैदा हुए, राम मंदिर कब से चल रहा है, जो पुरानी मूर्ति है तो एक बहाना हो गया कि राम मंदिर का वो भक्त बन रहे भगवान की, देखा भगवान कोई भक्त नहीं है तो अपने चुनाव के लिए भक्त बन रहे हैं, बाकी ये सब देखने वाली बात है। आप देखिए सिकरवार जी, कि अभी चुनाव के ऐन वक्त पे कांग्रेस के एक बड़े चेहरे और जो 6-6 बार विधायक रहे रामनिवास रावत जी को भी BJP ने जैसे भी अपनी तरफ कर ही लिया है, तो इससे कितना नुकसान कांग्रेस अपने आप को मान के चले, कितना नुकसान होगा? तो साहब देखने वाली सोचने वाली बात तो ये सभी लोग जानते हैं, जनता भी समझ रही है कि अपने अपने जो है प्रॉपर्टी बचाने के लिए, तब देख लिया प्रधानमंत्री जेल भेज रहे हैं, केजरीवाल जेल पहुंचा दिए, सब जेल जा रहे हैं, तो अपनी भाजपा में अपनी प्रॉपर्टी बचाओ, जो कमा कमा नेता करोड़पति बन बैठे हैं नहीं, तो अपने माल बचाने के लिए जायदाद बनाने के लिए सब भाजपा मिल रहे हैं, बाकी डर की भयकी वजह से बाकी राज्य कोई नहीं जा रहा। तो क्या माना है जो जितने भी कांग्रेसी भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं, तो क्या वो कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ की वजह से ले रहे हैं? अपने खुद के स्वार्थ से बढ़े और डर की वजह से कि हम जेल नहीं चले जाए, इसलिए मिल जाओ समझा के। दूसरा भी रामनिवास जी गए ठीक है, लेकिन जाने का दौर भाजपा से भी कांग्रेस में आया, दिग्गज नेता माने जाने वाले मुकेश मल्होत्रा जो निर्दलीय प्रत्याशी रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं, वो कांग्रेस में आ गए, तो क्या कांग्रेस को इससे फ़ायदा होगा या रामनिवास जी के जाने का नुकसान की भरपाई हो पाएगी? रामनिवास के जाने से वो चले गए भले ही, उनसे कोई अंतर नहीं पड़ रहा रामनिवास जाने से, वो मल्होत्रा कांग्रेस वाले से वो अंतर पड़ गया, ये जो है अपने जो कांग्रेस का वोट बहुत बढ़ गया, आदिवासी जो खिलाफ जा रहे थे वो भी सब उसमें मिल गए, ये कहने लगे तो साहब कांग्रेस को देंगे। आज लास्ट टाइम पर भी जब चुनाव का अंतिम दौर आ गया है और अब 1-2 दिन ही बचे हैं, तो तब भी विधानसभा अध्यक्ष आज कराल क्षेत्र के दौरे पर और आदिवासियों कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो इसमें सफल हो पाएंगे? इसमें सफल तो उनको नहीं मिलेगी, हाँ मुकेश मल्होत्रा अगर उसमें मिला रहा था भाजपा में तो नुकसान होता, अभी तो पहले आदिवासी आदमी तो थे ही, अभी आदिवासी पूरा आदिवासी एक तरफ हो जाए कांग्रेस में, भाई कोई आता रहे आदिवासी नहीं कटेगा। तो क्या मानते हो जो भाजपा एक दावा कर रही है कि 29 मोतियों की माला प्रधानमंत्री के गले में पहनानी है, तो क्या वो मुरैना से ही एक मोती टूट सकता है क्या? वो तो टूटा टाटा है, वो तो 100% टूटेगा, आप देख लेना यहाँ से हमारा अनुभव पक्का रहता है, हम जो कहते हैं वही होता है, क्यों जनता में जो आदमी बैठता है, गरीब लोगों में जाता हूँ, गरीब सच्चाई बताती है,
नेता को नहीं बताएंगे, वो हम लोगों को बताते हैं। मैं देख रहा हूँ आदिवासी बेल्ट अपना गरीब लोग हैं वो सब ये कहते हैं जान दिए तो ठीक है भाई साहब, तो जो है हम सब कांग्रेस को जाएंगे। अब बहुत भाजपा से अब आ गए, वो जो है जिन्हें देख रहे हैं उनको लालती लाली योजना से उनको गेहूँ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है आदिवासियों को, फिर भी उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, उनको तो कांग्रेस से देख रही है आदिवासियों सब एक तरफ। सिकरवाल ने एक भाषण में कहा है कि हमने ग्वालियर का 57 साल का सूखा का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया, महापौर उनकी भाभी चुनी गई और वो कह रहे हैं कि 28 साल का ये सूखे का रिकॉर्ड इस मुरैना में भी हम तोड़ देंगे, क्या वो सफल हो पाएंगे सिकरवाल साहब? नहीं, वो लड़के सतीश है, नीटू है, लड़के योग्य हैं, पर वो कहते हैं वो करेंगे पक्का, वो सफल हो भी जाएंगे।